जी आप हैं चेतन आनंद जी, आप बताएंगे कि आपने जब से नामांकन दिया है तब से और उसके बाद में क्षेत्र भ्रमण किया, आपको कैसा महसूस लग रहा, कैसा हो रहा है, आप क्या फीलिंग कर रहे हैं, इसके बारे में आप हमारे तमाम दर्शकों को बताएंगे। देखिए लोग बदलाव चाह रहे हैं, साफ साफ नज़र आने लगा है। अब लोग जो है पिछले 10 साल की मार झेल चुके हैं, इस बार लोगों का हमको लगता है पूरी तरीके से बदलाव करने का मूड बना चुके हैं। और सिर्फ शिवहर में ही नहीं, हमको लगता है कि पूरा बिहार बदलाव की ओर देख रहा है। बिल्कुल जी, तो क्या रीज़न है? देखिए इसका रीज़न यही है कि आप देख रहे हैं कि पिछले 15 साल में जिस तरीके से क्राइम रेट बढ़ा, जिस तरीके से आपको क्या बोलते हैं शिक्षा व्यवस्था में कमी हुई, उसके बाद आपको याद ही होगा प्रोडिगल साइंस वाला जो सिचुएशन था जिसमें एक टॉपर को ये भी नहीं पता कि उसने किस सब्जेक्ट में टॉप किया है। उसके अलावा आप कई एक रीज़न देख लीजिए, हर एक रीज़न में आज देखिए 15 साल की जो ये सरकार थी उसने कुछ काम नहीं किया। बहुत ज़्यादा आज हम लोग को मतलब लोग अब बोलने लगे हैं, हाँ आपने पलायन के नाम पे आप आए थे लेकिन पलायन बढ़ता चला गया। बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं। और शिवहर में खास करके अगर आप बात कीजिएगा तो 10 साल से आप रोड व्यवस्था, आप शिक्षा, कोई सा भी एक पहलू निकाल लीजिए, उधर कहीं भी विकास दिखाई नहीं देता। नीतीश जी जो हैं बिहार के युवाओं को जो तस्कर बना दिए हैं, इस पर क्या कुछ कहें? देखिए आप एक बात हम बताते हैं, हम लोग खुद बाहर जा कर के पढ़े हैं। जी जी हाँ, ऐसी क्या ज़रूरत है कि आज जो यूथ है हमारा उसको बाहर जा कर के शिक्षा दीक्षा ग्रहण करनी पड़ती है, बाहर जा कर के जॉब करना पड़ता है? हाँ, बाहर क्यों जाना पड़ता है? क्यों नहीं ये अपने बिहार में ही रह करके शिक्षा दीक्षा ग्रहण करें और यहीं पर क्या कहते हैं पढ़ाई मतलब आपको नौकरी हो अगर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर इतना कुछ काम हुआ ही नहीं नीतीश जी के द्वारा पिछले 15 साल में, हम लोगों के बिहार को आज जितना मतलब पीछे ले गए ये लोग, हमको लगता है बहुत बहुत पीछे आ गए। अभी भी शिवहर को दूसरे जिलों से जोड़ने के लिए सड़क की व्यवस्था बदहाल है। वही हम तो सड़क, आप सड़क की बात कर रहे हैं, हम आपको क्या कहते हैं वैसे उसकी बात करेंगे अगर आप देखिएगा रेलवे की। सड़क की बात अपनी जगह भी है, देखिए हम तो पहले स्टार्टिंग से ही बोल रहे हैं सड़क का मुद्दा तो हम उठा ही रखे हैं, लेकिन मेरे फादर का एक सपना था कि शिवहर में ट्रेन चले, शिवहर में ट्रेन आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डबल इंजन की सरकार शिवहर में एक भी इंजन नहीं ला सकी। सुरभि आनंद जो मतलब आपके लिए जो वोट मांग रही है और महिला में क्या रुझान है, इसके बारे में बताएंगे। देखिए हम जैसा कि बोले हैं कि हम जब 4 साल के थे और सुरभि आनंद जब 2 साल की थी, तब हम लोग को शिवहर ने सिर्फ आनंद मोहन जी का बेटा बेटी नहीं बल्कि शिवहर ने अपना बेटा और बेटी बनाने का काम किया था। तो आज कहीं ना कहीं लोगों का के मन में जो हमारे तरफ प्यार है और हमारे मन में जो लोगों के तरफ प्यार है वो दिखाई दे रहा है और लोगों से बहुत अपार प्यार मिल रहा है। तो इसका क्या रिजल्ट, आप अपने आप को क्या समझ रहे हैं, इसके बारे में आप बताएंगे? देखिए रिजल्ट तो जनता देती है, रिजल्ट देने का काम जनता, लेकिन फिर भी कुछ प्रत्याशी को अपना आत्मबल और अपना आत्मज्ञान होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ कैसे। हम बस इतना बोलेंगे कि जरूरत से ज्यादा कभी भी जो है लोगों को नहीं बोलना चाहिए। और हम यही बोलेंगे कि जनता मूड बना ली है, बदलाव होके रहेगा, और हम देख रहे हैं कि शिवहर की जनता जो है बदलाव की तरफ देख रही है। आप जीतने के बाद सबसे पहले शिवहर के लिए क्या करेंगे? जीतने के बाद सबसे पहले मेरा ये काम होगा कि बहुत अनेकों ऐसे गांव हैं जहां पर रोड आज तक नहीं पहुंच सका। जी जी, तो हम उस गांव को जो है शहर से जोड़ने का काम करेंगे, पहली बात। दूसरी बात हमारा ये काम रहेगा कि जो अन्य मतलब जैसे रेलवे का मुद्दा है, रेलवे के मुद्दे पे हम बता चुके हैं कि सेंटर से वो पास हो चुका है, लेकिन बिहार सरकार में ने उसमें जो है ज़मीन जो अलॉट करना था वो अलॉट नहीं किया। हाँ, और उसमें क्या कहते हैं आपको विधानसभा में पिछले 10 साल से शिवहर की आवाज़ खामोश रही, तो हमारा ये काम है कि शिवहर के लिए आवाज़ उठाएंगे, रेलवे के लिए आवाज़ उठाएंगे, और साथ ही साथ पंडित रघुनाथ झा जी जो शिवहर निर्माता थे उनके लिए एक हम
यहाँ पर प्रतिमा बनाने का काम करेंगे। शिवहर में कोई स्टेडियम नहीं है जी, बिल्कुल। हमारे एक और मुद्दा आप जो कह रहे हैं, देखिए बिहार क्रिकेट बोर्ड जो है वो अब रणजी में शामिल, जी जी बिल्कुल रणजी में शामिल कर, हाँ। और हम चाहेंगे कि शिवहर से ऐसे अनेकों टैलेंट जो है वो सिर्फ बिहार लेवल पे ही नहीं बल्कि भारत में जो है अपना नाम रोशन करें, हाँ। और हमारा ये काम रहेगा कि स्टेडियम बनाएंगे यहाँ पर, और साथ ही साथ हम ये भी बोलेंगे कि हमारे यहाँ कहा जाता है, मतलब मेरे फादर हमको बोलते थे कि अगर स्टेडियम या फिर खेलकूद की व्यवस्था अगर कर दी जाए तो अपने आप ये हो जाता है कि आपको कम हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि शिवहर के स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर एक मैदान होना चाहिए, एक स्टेडियम होना चाहिए जहाँ पर सभी लोग जा कर के वहाँ पर क्या कहते हैं स्वास्थ्य लाभ ले सके। यहाँ हॉस्पिटल तो बन गई हुई है लेकिन उसकी व्यवस्था क्या है? देखिए वही हम कह रहे हैं, हम हर जगह यही बात कहे हैं कि यहाँ पर हॉस्पिटल तो है लेकिन हाँ, यहाँ पर डिग्री कॉलेज तो है लेकिन, हाँ। तो ये लेकिन शब्द को हम हटाना चाहते हैं, हाँ, ये लेकिन शब्द को हम हटाना चाहते हैं। यहाँ पर मतलब हर एक चीज़ में जो है A1 हम करना चाहते हैं, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, या खेल कूद हो, या फिर जो भी हो। छोटा जिला है, हाँ, छोटा जिला में फंड की कभी कमी नहीं होती है, हाँ। ये दुर्भाग्य है इस जिला का कि मतलब आज तक जो है ये आगे बढ़ने का। शिवहर एक संसदीय क्षेत्र, एक विधानसभा जी, फिर भी शिवहर पीछे। बिल्कुल यही तो हम कह रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से जिस तरीके से शिवहर की दुर्गति हुई है, यहाँ के लोग, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, हाँ, यहाँ के जो क्या कहते हैं सांसद या फिर MLA या फिर जो भी हो, आपको दिखाई दे रहा है सब कुछ, जी जी, हाँ। और विकास के नाम पे हम लोग थोड़ा पीछे हैं। हम लोग चाहेंगे कि शिवहर बिल्कुल आगे रहे, सबसे छोटा जिला और सबसे बढ़िया जिला बनाने का हमारा काम है। क्राइम के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए क्राइम हर जगह बढ़ा है, क्राइम हर जगह बढ़ा है, और हमारा ये जब सरकार बदलेगा तो हमारा ये मानना है कि क्राइम भी बढ़ेगा।